नाहन के आस्था स्पेशल स्कूल में प्री दिवाली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में विधायक अजय सोलंकी मौजूद रहे। सिरमौर में बिक्रम बाग पंचायत के बेला में जंगली हाथियों की चहलकदमी पाई गई। ग्रामीणों ने मिलकर भगाए जंगली हाथी। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में बांदरोल के पास आमने सामने दो वाहनों की टक्कर हुई, दोनों वाहनों के चालक घायल हुए। पौंग किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर प्रतिबंध के बाद भी साधन संपन्न लोगों द्वारा हल चलाना शुरू कर दिया है। वहीं झील किनारे खेती को लेकर क्षेत्र की पंचायतों में भारी रोष है। एचआरटीसी नाहन ने एनसीएमसी कार्ड बनाने शुरू किए। इस कार्ड से यात्री किराया बिना इंटरनेट भी दे सकेंगे। दीपावली को लेकर सजे बाजार, खूब उमड़ी भीड़। सोलन माल रोड में सुबह से खूब खरीदारी हुई। त्योहारी सीजन में महंगाई का फटका, शिमला सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला। कांगड़ा घाटी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल राजगुंधा में पहली बार पहुंची बस, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। प्रदेश में 1 से 30 अक्टूबर तक पोस्ट मानसून सीजन के दायरान सामान्य से 97% कम बारिश दर्ज हुई है। वहीं बीते 24 घंटों के दायरान अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया। दिवाली पर्व पर हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों की भारी डिमांड के मद्देनजर एचआरटीसी प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑन डिमांड अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया। हिमाचल के प्लानिंग और स्पेशल एरिया के पहाड़ी क्षेत्रों में अब नेशनल हाईवे से 1 मीटर नीचे भवनों का निर्माण होगा। सरकार ने हिमाचल में वैली व्यू को बचाने के लिए यह फैसला लिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली पर 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद स्थानीय बसें संचालित नहीं की करेगा। शाम 5:00 बजे के बाद प्रस्थान करने वाली बस सेवाओं को इस प्रकार चलाया जाएगा कि अंतिम बस शाम 5 बजे प्रस्थान करे। हिमाचल में सैंपल फेल होने के बावजूद दवाइयां मार्केट में कैसे बिकती रहीं, इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के ड्रग कंट्रोलर से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने घटिया दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार को फटकार लगाई। दिवाली पर वन विभाग और पंचायती राज विभाग ने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। वन विभाग ने 46 डिप्टी रेंजरों और पंचायती राज में 10 उप निरीक्षक प्रमोट किए हैं। बीड़ बिलिंग घाटी में 2 पैराग्लाइडर आपस में टकरा गए। एक पायलट ने पैराग्लाइडर रिजर्व खोलकर सुरक्षित लैंडिंग की और दूसरा रिजर्व न खुलने के कारण खाई में गिर गया। हादसे में बेल्जियम के नागरिक की मायत हो गई। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च स्कूलों में पढ़ाने वाले 50 शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर विदेश जाने के लिए 20 अंकों के मानकों पर खरा उतरना होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इस बार दिवाली का पर्व राजधानी शिमला से सटे छराबड़ा स्थित अपने घर में मनाएगी। प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला पहुंची। दिवाली के लिए जिला प्रशासन की ओर से 30 से अधिक पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, लेकिन बाजार में गैर अधिकृत जगह पटाखे बिकने से नाराज व्यापारी बुधवार को प्रशासन से मिले। कुल्लू जिले में धनतेरस पर सोने चांदी की चमक से बाजार खूब चमका। अनुमान के तहत करोड़ों का कारोबार हुआ है। सबसे अधिक कारोबार आभूषण की दुकानों और बर्तन की दुकानों में हुआ। कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी पुलिस थाना के अंतर्गत बुधवार सुबह ज्वालामुखी शिमला एनएच पर कोहाला में फोरलेन की एक पुली के पास दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में टिपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निगम धर्मशाला ने मैक्लोडगंज में शहर का पहला मॉडल वेंडिंग जोन तैयार कर 21 रेहड़ी-फड़ी वालों को दुकानों की सौगात दी। हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी डिवीजन दिवाली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष बसें चलाई। वहीं 31 अक्टूबर को दिल्ली और चंडीगढ़ से 17 विशेष बसें जिले के विभिन्न स्थानों के लिए आएगी। नागरिक अस्पताल सरकाघाट विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना रेफरल अस्पताल बन गया है। वहीं वर्तमान में यहां हड्डी, नेत्र, शिशु और मेडिसिन विशेषज्ञ तक नहीं है। ऐसे में यहां उपचार के लिए पहुंच रहे लोगों को मजबूरी में हमीरपुर या नेरचौक जाना पड़ रहा। सोलन जिले में इस बार सरकारी बसों के साथ निजी बसें भी कामगारों को छोड़ने के लिए दूसरे राज्यों के लिए चलाई गई। इसके लिए आरटीओ ने निजी बसों के लिए विशेष परमिट जारी कर दिए हैं। ये बसें बुधवार सुबह से ही कामगारों को छोड़ने के लिए दूसरे राज्यों के अलग अलग शहरों के लिए चलाई गई। त्योहारी सीजन के चलते 2 दिन तक धौलाकुआं और पांबटा साहिब अनाज मंडियों में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को धान की खरीद नहीं हो पाएगी। इसके चलते किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जिला सोलन के अर्की उपमंडल के सभी बिजली उपभोक्ता 5 नवंबर तक लंबित बिजली बिल जमा करें, अन्यथा उनके कनेक्शन कार्ड दिए जाएंगे। यह जानकारी सहायक अभियंता इंजीनियर नीरज कुमार कतना ने दी।
हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों की शुरुआत में देरी हो रही है। नवंबर के पहले हफ्ते से ठंड के आगमन की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में रात के तापमान में औसत से 5 डिग्री अधिक गर्मी रिकॉर्ड हो रही है। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के आसपास चल रहा है। दीपावली के पर्व के दौरान आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 29 से 31 अक्टूबर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन बाजारों से बाहर पटाखों की बिक्री के लिए अलग से स्थान निर्धारित किए हैं।